वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विजय लव टिप्स। दूर बैठा वाला पार्टनर क्या आपको प्यार करता है नहीं करता, ये तीन बातों से जानो। तीन मैं आपको मूल मंत्र देने वाला हूँ कि जो आपका बॉयफ्रेंड है क्या आपको चूतिया तो नहीं बना रहा, जो आपकी गर्लफ्रेंड आपको गधा तो नहीं बना रही कि हाँ बेबी तू ही मेरा सब कुछ और पता चल रहा है उसके तो और भी जानू है और भी उसके तो अफेयर चल रहे हैं। तो आज मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, एक एक पॉइंट खोल के रखूंगा। आज आपको पता चल जाएगा कि कोई आपसे प्यार कर रहा है या आपको धोखा दे रहा है या आपको उल्लू बना रहा है या आपको यूज ले रहा है। तो वीडियो के साथ बने रहना, वीडियो ऐसी हो जाएगी कि आज आपका माइंड पूरा क्लियर हो जाएगा, आज आप हैप्पी रहोगे। अगर रिलेशनशिप से रिगार्डिंग ज्यादा नीड आ रही हो तो आप कॉल बुक कर सकते हैं, स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहे होंगे, व्हाट्सएप पे जाके आप कॉल बुक करिए, चार्जेबल कॉल है। देखो पहला काम सच्चा प्यार करने वाला करेगा और झूठा काम करने वाला भी करेगा। पहले आएंगे सच्चा प्यार करने वाला, जो आपसे प्यार करता है वो आपके लिए इमोशनल होएगा, होएगी, रोएगा, तड़पेगा, गिड़गिड़ाएगा, ठीक है। वो आपकी केयर करना जरूरी समझेगा या समझेगी, 24 घंटे में वो आपके लिए अवेलेबल रहेगा। आप उसे कॉल करोगी तुरंत अटेंड करेगा, आप उसे मैसेज करोगे तुरंत वो बंदा या बंदी आपको रिस्पॉन्स देगी, ठीक है। आप कहीं जा रहे हो आपको 100 कॉल करेगा या करेगी, कहाँ हो कैसे हो, हाँ उसका शक नहीं रहेगा, ठीक है। वो आपकी केयर करेगा, अगर आपने कह दिया मैं बिजी हूँ बात नहीं कर सकती या नहीं कर सकता, वो आपको समझेगा। ये नहीं ट्रिंग ट्रिंग कॉल पे कॉल मैसेज अगर ये हरकतें करने लग जाए तो साइको उनसे दूर रहना है। वो आपको समझेगा, आपकी केयर करेगा, आपको समझाएगा। आपको अगर पैसों की नीड है तो वो कहीं ना कहीं से अरेंज करेगी या करेगा। अगर आपको उसके सपोर्ट की नीड है वो आपके साथ खड़ा रहेगा, अगर आपको उससे मिलना है वो आपके साथ खड़ा रहेगा। अगर आपने उसे मैसेज करा वो आपको करना जरूरी, तुरंत ऑन द स्पॉट करेगा, कॉल अटेंड करेगा या करेगी। वो आपके लिए अपने आप को चेंज करना जरूरी समझेगा, आपको शो करेगा हर जगह, इंस्टा हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, फैमिली हो। तो यहाँ आप कह सकते हो एक ट्रू प्यार की निशानी है, एक ट्रू लव है, रियल ऑफेक्ट। अगर आप ऐसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को छोड़ते हो सबसे बड़े गधे, आप ये सोचोगे यार ये मेरे को लड़कों से रोक रहा है, लड़कियों से रोक रहा है, इसको प्रॉब्लम हो रही है, क्या दिक्कत है। आप खुद सोचो, जो पार्टनर है वो आपको पर्टिकुलर कुछ लोगों के लिए कह रहा होगा या कह रही होगी, तो आपको वहां समझना चाहिए, वो उसका शक नहीं है। अगर वो सबके लिए कहे नहीं इससे नहीं इससे नहीं, तो वो शक है, वो फिर साइको। अगर कुछ पर्टिकुलर लोगों के लिए कह रहा है, आपकी केयर कर रहा है, आपके लिए हमदर्द बनना जरूरी समझ रहा है, हमेशा अवेलेबल होना जरूरी समझ रहा है, तो आपको उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इज्जत करनी चाहिए, वहां आपको समझना चाहिए। तो आपका बॉयफ्रेंड आपकी गर्लफ्रेंड आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, ऐसा होगा आप खो मत देना, नहीं तो जिंदगी भर पछताते रहोगे, रोते रहोगे। अब आएंगे जो प्यार नहीं करते, कहीं जा रहे हो फोन ऑफ है, कोई आपको बता नहीं रहा, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, कोई आपको कॉल करना जरूरी नहीं समझ रहा, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, आप कहां पड़ी हो, कहां पड़े हो, उसको पड़ी नहीं है, आप बैल बकरी की तरह आपको समझा जा रहा है, पड़ा होगा कूड़े कबाड़ में, ठीक है कर लिया कॉल, हाँ कैसी हो, क्या कर रही हो, ये एक फॉर्मेलिटी है। यहाँ आपको समझ जाना चाहिए कि आपसे प्यार नहीं कर रहा, ठीक है, दोस्तों के साथ हूँ, बिजी हूँ, टाइम नहीं दे रहा, आप कॉल कर रहे हो इरिटेट हो रहा है या हो रही है, आपका फोन कट कर रही है, आपको गालियां निकाली जा रही है, उल्टा सीधा बोला जा रहा है, तो वहां समझ जाओ कि आपका पार्टनर आपसे प्यार नहीं कर रहा, आपको समझ नहीं रहा। देखो कोई अगर आपको कॉल मैसेज कर रहा है, अगर आप सामने थोड़ा सा भी उसे रिस्पॉन्स दे रहे हो तो वहां उसके लिए एक तसल्ली वाला काम हो जाएगा। अगर आप उसे बिल्कुल रिस्पॉन्स वगैरह नहीं दे रहे, वो बंदा या बंदी पागल हो सकती है, साइको हो सकती है, उसका माइंड डिस्टर्ब हो सकता है, क्योंकि वो आपसे बहुत ज्यादा ट्रूली लव कर रहा है, इसलिए वो आपको ये हरकतें कर रहा है। और आप जो लोग रहते हो ना जो रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, उनको इरिटेशन वाला समझ रहे हो, उन्हें गालियां निकाल रहे हो, सुना रहे हो चिपकू है, चूतिया है, काम करने है, वो करने है, तू ऐसा है वैसा है, गांडू है, लोड़ा, लसन, अदरक, पता नहीं क्या क्या कह देते हो, तो वहां उनको चीजें हर्ट हो रही है। आप एक ट्रू लव करने वाले को खो रहे हो। और अगर ऐसे लोग हैं आपके रिलेशनशिप में जो आपकी बिल्कुल वैल्यू नहीं कर रहे, तो आप एक गलत रिलेशनशिप में हो, या आप यूज एंड थ्रो वाला सिस्टम हो गया, आप अपना यूज करवा रहे हो, आप अपनी लाइफ को टोटली जज कर रहे हो, इनको आज ही राम राम बोल के इनकी जिंदगी से निकल जाना, तो आपकी लाइफ बेटर देन बेटर रहेगी और अच्छी रहेगी। अब आएंगे हमारे सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट ये है कि कोई अगर आपके लिए रो रहा है, देखो लड़का या लड़की कोई आपके लिए रो रहा है, छोटी छोटी बातों पे खोने से डर रहा है, रिलेशनशिप अगर आप तोड़ने की कह रहे हो या कह रही हो, फिर वो उस रिलेशनशिप को बचाने के लिए रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, एफर्ट्स लगा रहा है, लगा रही है, सो कॉल मैसेज आपके सो कॉल जो चूतिया दोस्त है उनको मैसेज कर रहा है या कर रही है, उनको मनाने के लिए, फैमिली को मनाने के लिए, तो वो आपसे बहुत ज्यादा प्यार कर रहा है। अगर आप ऐसों को छोड़ रहे हो कि नहीं यार इसकी ये गलती है, मेरा फ्रीडम छीन लिया, देखो एक चीज बता रहा हूँ, कल को आप शादी करोगे, अरेंज मैरिज करते हो, लव मैरिज कुछ भी होगी, आप एक घर में रहोगे, उसके मम्मी आप आपके सास ससुर वगैरह रहेंगे,
तो थोड़ा सा तो आपको बाउंडेशन में रहना होगा। हमारा इंडियन कल्चर है, बहू वगैरह रहती है, जो लड़कियां रहती है, थोड़ी तो मान मर्यादा आपको रखनी पड़ेगी ना। अपने आप को ढालोगे ना तो उस लड़के के लिए आप ढाल नहीं सकते क्या? उस लड़की के लिए मेरे भाई को आप ढाल नहीं सकते क्या? कल को आप पे जिम्मेवारी आएगी, आप एक लड़की को अपने घर ला रहे हो, जॉब वगैरह करोगे, अपने काम से काम रखोगे, आपको लिमिट की दोस्ती रखनी पड़ेगी, वो सारी चीजें करनी पड़ेगी। तो आज आपको अपनी फ्रीडम इतनी प्यारी है, कल को आप सेक्रीफाइस थोड़ी बहुत करोगे तो आज ही कर दो। समझो, अगर जो बंदा आपके लिए सेक्रीफाइस कर रहा है, चीजों को छोड़ रहा है, छोड़ रहा है, तो उसके वक्त रहते कदर कर लो। अगर कोई आपके लिए बिल्कुल सेक्रीफाइस नहीं कर रहा, गाली गलौज कर रहा, तो वो प्यार नहीं हो सकता, वो आपको कतई प्यार नहीं कर रहा। और जो सेक्रीफाइस कर रहा है, जो आपके लिए चेंज भी हो रहा है बहुत सारी, देखो मैं भी एक रिलेशनशिप में हूं, मैंने खुद को चेंज करा है। मेरी होने वाली वाइफ अपनी लाइफ खुल के जीती थी, वो पेरिस, ऑस्ट्रेलिया, लंदन, दुबई, वहीं रही है हमेशा। उसने मेरे लिए जॉब वगैरह क्विट करी, इंडिया आई, इंडिया में रहना उसने स्टार्ट करा, खुद के बिजनेस वगैरह स्टार्ट करे यहाँ से। उसने अपने प्यार के लिए वो चीज़ सेक्रीफाइस करी कि नहीं मैं तेरे से दूर नहीं जाना चाहती, अब मैं यहीं रहूँगी। उसने अपने दोस्त वगैरह भी छोड़ने जरूरी समझे, मैंने कहा नहीं, उसने कहा नहीं अब मेरी एक लाइफ होगी। तो उसके जो अच्छे दोस्त थे उनके आज भी टच में, मैं भी टच में, बट जो आलतू फालतू थे मैंने भी छोड़े, उसने भी छोड़े। बहुत सारी चीजें थी जिंदगी में, जैसे मैं साइडों में से कटिंग वगैरह करा लेता था तो उसको नहीं पसंद, उसको पसंद है कि विजय बाल लंबे रखे तो मैं दिख रहा हूँ बाल लंबे, अभी ये सेट भी नहीं होते, और मैं जिम से आता हूँ तुरंत वीडियो बना देता हूँ, वीडियो नहीं आ पा रही। उसका रीजन ये है कि अभी तुम्हारी भाभी बाहर गई हुई है दुबई, तो फिर उसका फोन वगैरह आ जाता है, नेटवर्क प्रॉब्लम वगैरह रहती है वहाँ, आपको पता ही है वाईफाई, तो उधर बिजी हो जाता हूँ, फिर कॉल आता है तो फिर टाइम नहीं दे पाता वीडियो को। बट अपने काम से प्यार करना चाहिए, मैं गलती कर रहा हूँ तो डेली वीडियो डाला करूंगा। तो प्यार एक ऐसा, हम दोनों का एक बॉन्डिंग ऐसी है कि हाँ हम दोनों ने कहीं ना कहीं चीजें सेक्रीफाइस करी, अंडरस्टैंडिंग बनी, और आज हमारी शादी होगी 23 नवंबर को। तो वैसे तुम भी अंडरस्टैंडिंग रखो, जो नहीं रख रहे उससे दूर हट जाओ और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, इतना ही कहना चाहूंगा। थर्ड पॉइंट है, जो आपने प्यार को शो ना कर सके वो काहे का प्यार है। नहीं यार मैं दोस्तों को नहीं बता सकता, नहीं यार मैं पिक्स नहीं डाल सकता, नहीं मैं मम्मी पापा को नहीं बता सकता। चलो अच्छी बात है, नहीं बताना चाहिए, कुछ चीजें हाइड रहती है। बट आप किसी को ये भी तो मत बताओ कि मैं सिंगल हूं। अगर आप रिलेशनशिप में वो चीजें नहीं शो कर सकते, सामने वाले को ये कहो आई एम कमिटेड, आई हैव ए बॉयफ्रेंड, आई हैव ए गर्लफ्रेंड, ऐसा आपको कहना चाहिए। अगर जो पार्टनर नहीं कह रहा, अपने आपको सिंगल बता रहा है और लड़कियों के सामने, लड़कों के सामने, तो काहे का प्यार है। हाँ, और जो डंके की चोट पे कहता है कि हाँ मैं रिलेशनशिप में हूँ तो वो प्यार है, मैं ये मानता हूँ। देखो हमने भी कहीं ना कहीं चीजें चेंज करी है, मेरी आईडी हुआ करती थी इंस्टाग्राम पे मेरे नाम से, तो मैंने अपनी फियोंसी और मेरे नाम से आईडी बनाई, खुद को चेंज करा काफी, दोस्त वगैरह भी थे अच्छे वगैरह, लिमिट की चीज जो है क्योंकि एक फैमिली लाइफ में जाने वाला हूँ, तो डेफिनेटली खुद को चेंज करा, उसको शो करा मैंने हर जगह, इंस्टा पे शो करा, व्हाट्सएप पे, दुनिया में, दुनिया में मतलब फैमिली वगैरह वही अपनी दुनिया है, दोस्तों पे, तो एक अच्छा लगता है। देखो जिससे हम प्यार करना चाहेंगे उसके लिए ऑटोमेटिक चीजें माइंड से आती है, दिल से आती है, वो मेरे को समझती बहुत है, जो मेरी फियोंसी है। तो उसने मेरे को नहीं कहा कि तू नाम चेंज कर अपने इंस्टाग्राम का, मेरी पिक्स वगैरह डाल, दिल से चीजें होने लगी, दिल से। जैसे वो मेरे मम्मी पापा की भी काफी केयर करते हैं, अब कौन है मैं हूँ, मम्मी पापा दीदी और शादी होगी तो काफी समझ रही है वो, तो मेरे को भी अच्छा लगा, तो मैंने खुद को चेंज करना जरूरी समझा। जो चीजें उसको पसंद थी वो चीजें मैंने करना जरूरी समझी, और जो मुझे पसंद थी वो उसने करना जरूरी समझे। हम भगवान ना करे नजर लगे तो मैं तो यही कहूंगा कि एक चीज है कि अगर सामने वाला आपके लिए चीजें कर रहा है तो आपको वैल्यू करनी चाहिए। और दिल से चीजें आती है, अगर आपके पार्टनर के दिल से नहीं आ रही तो वो कोई प्यार नहीं है। जैसे मेरे दिल से आई, उसके दिल से आई, हम दोनों ने एक दूसरे को एक्सेप्ट किया, फैमिली को बताया, शादी हो रही है तो काफी अच्छा लग रहा है। तो यही चीजें कहूंगा, अपने रिलेशनशिप को शादी तक लेके जाओ, ठीक है। आई होप वीडियो तुम्हें अच्छी लगी होगी, ऐसी प्यार सपोर्ट बनाए रखना। जय हिंद, जय भारत।